बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ सना बतूल और आप देखें सना बतूल फूड ब्लॉग। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी तमाम सिस्टर्स। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगी, जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। आते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज मैं आपके साथ बड़ी यूनिक सी, बड़ी डिफरेंट सी, बड़ी मज़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं बनाने जा रही हूँ मूँगफली की चटनी। आपने भी इसको ट्राई करना है, मुझे बताइएगा कि ये कैसी बनी है। ये बहुत टेस्टी बनती है और इसका फ्लेवर ज़रा हट कर डिफरेंट सा होता है। आप बनाएंगे तो हर कोई आपसे ज़रूर पूछेगा कि किस चीज़ की चटनी बनाई है आपने, ठीक हो क्या। मैंने यहाँ पे ले ली है, ये देखें, हाफ कप के करीब है मूँगफली, 3 से 4 अदद है बादाम, 4 से 5 जवे मैंने लिए हैं लहसुन के, उनको मैंने इस तरीके से काट लिया है, 2 से 3 मैंने लंबे पीस लिए थे गरी के, नारियल के, और ये मैंने ली है, एक मैंने ली है सुरख मिर्च और बाकी मैंने ली है 4 हरी मिर्चें, ठीक हो गया। सिस्टर्स, यहाँ मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल, इसमें मैंने लिया है 1 अदद तेज़पात और मैंने ली है इसमें 1/2 टीस्पून मैंने लिया है इसमें ज़ीरा। लहसुन जो था मैंने काटा हुआ था उसको मैंने इसमें अब करना है लाइट सा फ्राई, ठीक हो गया। जब इसकी लहसुन की थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी ना, तब इसमें हमने बाकी की, मतलब मैं बताऊंगी आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ऐड करनी है, ठीक हो गया। ये तो सिस्टर यहाँ पे देखें मेरा लहसुन जो है वो मज़े से फ्राई हो रहा है, इसकी थोड़ी सी खुशबू आ रही है। अब मैं क्या करूँगी, अब इसमें मैं बादाम भी डाल दूँगी, नारियल भी डाल दूँगी और अपनी मूँगफली भी डाल दूँगी। सिस्टर देखें मेरी चीज़ें गोल्डन हो गई हैं, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है हरी मिर्च, बहुत केयर से बनानी है। अब ये चीज़ों का कलर देखें, ये बिल्कुल फ्रेश भी है, मतलब इनको चीज़ों को जलाना नहीं है, इनको हमने रोस्ट करना है, लाइट गोल्डन करना है, ठीक हो गया। ये देखिए इनकी लुक कितनी मज़े की हो गई है, मैंने फ्लेम नीचे से ऑफ कर दिया है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि हमने करना क्या है। जी तो सिस्टर्स, यहाँ पर हमने ले लेनी है एक प्यारी सी साफ़ सुथरी सी दोरी, इसमें मैंने डाल दी हैं अपनी जो मैंने चीज़ें अपनी गोल्डन की थी, पीनट था, लहसुन था, हरी मिर्चें थी, नारियल था, ज़ीरा था, उन सब बादाम थे, उन सबको मैं अब इस दोरी में, अगर मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी तो वो उस तरीके से मज़ा नहीं करेगा, ठीक है। मुझे चाहिए थोड़ा सा दरदरा सा, ठीक हो गया, कि ये मुंह के में बाइट में आए आपके, आपको फील हो कि आप क्या खा रही हैं, तो बिल्कुल एकदम लिक्विडी पेस्ट बन जाएगा, उसका मज़ा इस तरीके से नहीं आएगा, ठीक हो गया। जी तो सिस्टर्स, ये देखें कितने मज़े की और कितनी कलरफुल सी लग रही है। जी तो सिस्टर्स, अब ये देखें, ये मैंने लिया है पुदीना और उतना ही मैंने लिया है धनिया, दोनों चीज़ें मैंने ली हैं इक्वल, ठीक हो गया। अब मैं डालूंगी इसमें और उसको भी साथ में पीस लूंगी। जी तो सिस्टर्स, 1/2 से 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा नमक। ये देखें कितनी मज़ेदार सी और दानेदार सी ना हमारी चटनी जो है वो रेडी हो रही है। जी तो सिस्टर्स, मेरी चटनी जो है बनकर रेडी हो गई है। अब बस ये देखें, ये देखें कितने मज़े की लग रही है। जी तो सिस्टर्स, ये देखें, ये मैंने इसमें निकाल ली है और जो ये मेरी दोरी के अंदर लगी हुई थी वो भी मैंने कहा वेस्ट ना जाए, उसमें मैंने डाला थोड़ा सा दही और ये मैंने बना ली है खाने के लिए। इसका टेक्स्चर देखें, इसमें ऐसे आपके मुंह में भी ये ज़रा ज़रा सा आना, इसीलिए हमने इसका पेस्ट नहीं बनाया। अगर हम इसे ग्राइंडर में करते ना तो फिर इसका बिल्कुल मज़ा नहीं रहना था, वो सारा बिल्कुल ऐसे एकदम बन जाना था ऐसे लिक्विडी फॉर्म में ना। ये देखें, अब कम से कम आपको पता चलेगा कि हम लोग क्या, मतलब नज़र आ रही है, इन्ग्रीडियंट्स भी नज़र आएंगे और फील भी होंगे खाने में, ठीक हो गया। जी तो सिस्टर्स, मेरी मज़ेदार सी मूँगफली की जो चटनी थी बनकर रेडी हो गई है और ट्रस्ट मी मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी सिस्टर्स, आपने ट्राई ज़रूर करनी और आपने कमेंट्स में बताना। ये इतनी मज़े की बनी है कि मैं आपको बता नहीं सकती, ये बहुत मज़े की बनी है। आप इसको पुलाव के साथ खाएं, ये जो है ड्राई फॉर्म में, आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ इंजॉय करें, ये बहुत मज़ा करेगी, यकीन करें। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरा चैनल लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।